हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिखाएंगे कि हमारे घर में एक बहुत ज़्यादा फॉल्ट आता है और उस फॉल्ट में क्या होता है। दोस्तों, जो हमारा ये जो टेस्टर होता है वो हमारा जो सॉकेट होता है, तो दोस्तों जिस तरह से हम इसको चेक करते हैं तो हमारे इधर साइड तो हमारा टेस्टर ग्लो करना चाहिए, क्योंकि जो फेस आता है वह राइट साइड ही आता है। और दोस्तों, कभी कभी कंडीशन ऐसी बनती है कि यह जो टेस्टर है हमारे इस वाले पॉइंट में भी जलता है। तो दोस्तों, हमारा इस टाइम ये नहीं जल रहा था। दोस्तों, हमारा इन दोनों में टेस्टर जलता है और इस कंडीशन में दोस्तों हमारे घर की अप्लाइंसेस काम नहीं करती हैं। तो दोस्तों, वह कैसे होता है? और दोस्तों, कभी कभी फॉल्ट ऐसा बनता है कि ये दोनों सॉकेटों में हमारा टेस्टर जलता है बट हमारे घर की पावर सप्लाई काम करती रहती है। तो दोस्तों, वह कैसे होता है, आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। और दोस्तों, आप यह जानना चाहते हैं कि यह सब कैसे होता है और इस फॉल्ट को क्लियर कैसे करते हैं और यह फॉल्ट होता क्यों है और कैसे होता है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें लास्ट तक, क्योंकि आपको स्किप करने से वीडियो में जो बताई गई इन्फॉर्मेशन है वो आपको पूरी तरह से नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों हम ये दो वन वे स्विच यूज़ करने वाले हैं। जो दोस्तों वन वे स्विच होता है उनमें हमारे दो टर्मिनल होते हैं, हमने बहुत सारे वीडियो में इनके बारे में बताया भी हुआ है। और दोस्तों, आज हम ये फाइव पिन सॉकेट को यूज करने वाले हैं, जिसमें हमारे पीछे तीन टर्मिनल होते हैं, जिसमें हमारा ये एल के लिए होता है, ये न्यूट्रल के लिए होता है और ये हमारा अर्थिंग के लिए होता है। और दोस्तों, इस वाले होल्डर का यूज़ करने वाले हैं बताने के लिए, इंडिकेट कराने के लिए किस तरह से हमारा आता है फेस, और ये वाला बल्ब यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों, इनको अभी हम साइड में रखते हैं और हम इसके कनेक्शन करते हैं। दोस्तों, सपोज़ कीजिए यह हमारा बोर्ड कुछ इस तरह से है और हम सपोज़ कीजिए हम कुछ इस तरह से दो स्विच और एक सॉकेट की हम वायरिंग करते हैं। तो दोस्तों, वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है कि हमको दो जो टर्मिनल हैं इनको आपस में शॉर्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों, चलिए इस तरह से हमको एक वायर का टुकड़ा ले लेना है और इसका एक एंड हमको स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में डालना है। आपस में शॉर्ट कर देंगे इसको हम इस तरह से। तो दोस्तों, एक एंड हम इसमें डाल देंगे इसका, और इसको स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देंगे। तो दोस्तों, ये हमने कर दिया है, आप देख सकते हैं हमने फुल टाइट कर दिया है इस तरह से। आपको भी इसी तरह से कर लेना है। अब दोस्तों, हमारा बचा है सॉकेट। तो दोस्तों अब हमको कनेक्शन करना है इस वाले स्विच से हमें इस वाले सॉकेट के एल वाले में, जो दोस्तों इसी तरह से बोर्ड का सॉकेट कनेक्शन होता है। तो दोस्तों, इस वायर को हम इसमें डाल देंगे, सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे और इसको फुल टाइट कर देंगे। फुल टाइट करेंगे इसको, और फुल टाइट करने के बाद इसको हम स्विच सॉकेट के एल वाले पॉइंट में डाल देंगे और इसको भी हम फुल टाइट करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा कनेक्शन हो चुका है, इतना कनेक्शन हो चुका है हमारा ये। अब दोस्तों, हमको एक न्यूट्रल वायर लेना है, ये हमारा न्यूट्रल वायर है। और दोस्तों, इसके साथ हमको एक जो हमारा ये होल्डर को हम लगाएंगे, तो हमको इसको होल्डर को खोल लेना है वायर को। और दोस्तों, इसके साथ हमको न्यूट्रल का एक वायर और अटैच करना है इस तरह से। दोस्तों, इस वाले वायर को हमको तो दोस्तों ये हमने कर दिया है, देख सकते हैं आप किस तरह से हमने किया है। और दोस्तों, ये हमारा होल्डर का कनेक्शन हो चुका है यहाँ पे ये हमारा होल्डर का कनेक्शन हो चुका है इस तरह से। अब दोस्तों, होल्डर का हमारा एक वायर और बचा है। तो दोस्तों, इसको हम इस वाले स्विच से ऑपरेट करेंगे इसको हम, और इसका हम वायर को इसमें टाइट कर देते हैं इसको इस तरह से। ये हमने इसमें टाइट कर दी है। और दोस्तों, ये हमारा न्यूट्रल वायर है जो हमारा मेन सर्किट से आता है, मेन इनपुट न्यूट्रल है, देख सकते हैं दोस्तों। अब हम आपको कनेक्शन समझा देते हैं। तो दोस्तों देखो, हमारा ये जो हमने दो स्विच लिए हैं वन वे, तो हमने इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर दिया है और इस स्विच से हमने एक आउटपुट वायर लिया है और हमने सॉकेट के एल वाले में डाल दिया है। हमने एक होल्डर लिया है, तो होल्डर के हमने एक वायर न्यूट्रल में दे दिया है और होल्डर का दूसरा वायर हमने सॉकेट के स्विच के आउटपुट में दे दिया, क्योंकि इस वाले स्विच से हम इस वाले बल्ब को जलाएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि इसमें सीरीज का फॉल्ट बनता कैसे है आखिर। तो दोस्तों, इसके लिए अब हमें क्या करना है कि इसके लिए हमें यहाँ से फेस वायर देना है, और हमारा न्यूट्रल वायर हमारा ये है ही, न्यूट्रल वायर हमारा यहाँ से निकल आया है, तो इसके लिए हमें फेस वायर देना है। फिर उसके बाद हम फॉल्ट बना के दिखाएंगे कि किस तरह से हमारा फॉल्ट बनता है। तो दोस्तों, फेस हम यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं इसमें, और यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम फेस का ये रेड वाला वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहे हैं और उसके बाद फिर हम आपको लाइन चालू करके दिखाएंगे। तो ये दोस्तों, हमने यहाँ पे फेस का वायर अटैच कर दिया है
तो दोस्तों ये हमारा फेस का वायर अटैच हो गया है। इसको हम सीधा करते हैं कि हमारा किस तरह से दिखेगा ये। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये वायर दिखेगा। और दोस्तों ये हम यहाँ से इसको न्यूट्रल को हम बड़ा वायर इसमें अटैच कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे ये वायर अटैच कर दिया है। और दोस्तों ये हमारा कनेक्शन यहाँ पे आ चुका है। और इस तरह से हम इसको कर देंगे। और दोस्तों ये वाला बल्ब हम इसमें लगा देंगे। तो ये बल्ब हमने लगा दिया है। अब दोस्तों इसमें हम पावर सप्लाई देते हैं और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि यह किस तरह से हमारा वर्क करता है। तो दोस्तों इसमें पावर सप्लाई आ चुकी है। और दोस्तों हम दिखाते हैं आपको कि हमारा इस स्विच से हमने बल्ब बनाया था तो हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, इससे हमारा ऑन ऑफ हो रहा है। और दोस्तों सॉकेट स्विच में हमारे इधर साइड हमारा फेस आता है, तो आप देख सकते हैं इधर साइड फेस आ रहा है, स्विच से ऑन ऑफ हो रहा है अच्छे से। दोस्तों इसमें दिखाएंगे हम तो इसमें हमारा कुछ भी नहीं आएगा। तो दोस्तों और इस वाले में हमारा फेस ग्लो करेगा इस तरह से, और स्विच से हमारा ऑपरेट भी हो रहा है। अब दोस्तों हम बताते हैं कि किस तरह से ये इसमें दोनों तरफ फेस चलता है। तो दोस्तों यह जो न्यूट्रल वायर है इसको हम यहाँ से ब्रेक कर देते हैं। तो ये हमारी ब्रेक हो चुकी है। अब दोस्तों देख सकते हैं यह वायर हमारी ब्रेक हो चुकी है। अब दोस्तों इसमें जो है सीरीज का फॉल्ट बन चुका है। तो आप देख सकते हैं हमारा पहले इसमें जल रहा था स्विच में, तो टेस्टर हमारा अब भी इसमें भी जल रहा है, देख सकते हैं आप। और दोस्तों इसमें भी जल रहा है, ये देखो। तो दोस्तों ये सीरीज फॉल्ट बन चुका है। इस तरह से हमारा टेस्टर जल रहा है यहाँ पे भी, इस तरह से देख सकते हैं आप टेस्टर जल रहा है। और इस वाले में भी टेस्टर जल रहा है, और इस वाले में भी टेस्टर जल रहा है। तो दोस्तों ये जल कैसे रहा है? तो दोस्तों यह है हमारा बल्ब है यहाँ पे। दोस्तों इसको हम उल्टा करते हैं, तब हम आपको समझाते हैं कि किस तरह से हमारा सीरीज का फॉल्ट आ रहा है इसमें। तो दोस्तों जो हमने यहाँ से पावर सप्लाई दी है वो हमने हमारे बल्ब यहाँ पे हमारी पावर सप्लाई आ रही है, ये देख सकते हैं आप पावर सप्लाई आ रही है यहाँ से। हमारे ये स्विच बल्ब में गई, बल्ब के होते हुए हमारे बल्ब के अंदर ऐसे होती हुई हमारी बल्ब इसके न्यूट्रल तक आ गई। तो दोस्तों ये सीरीज हो गई हमारी। और इसमें हम न्यूट्रल जोड़ देंगे यहाँ पे तो हमारे सारे अप्लाइंसेस वर्क करने लग जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा न्यूट्रल है, और इसको हम जैसे टच करेंगे तो हमारा ये सीरीज का फॉल्ट ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहले हमारा न्यूट्रल में जल रहा था, अब हमारा न्यूट्रल में नहीं जल रहा है, तो अब हमारा सिर्फ फेस में जलेगा। जैसे ही हम यहाँ से इसको डिसकनेक्ट करेंगे तो हमारा इसमें तुरंत चलेगा, देख सकते हो। इसको हम हटाएंगे तो वहाँ से हमारा टेस्टर बंद हो जाएगा। इसको देखो, इस तरह से ये सीरीज का फॉल्ट आता है, ये देखो देखो इस तरह से हमारा सीरीज का फॉल्ट आता है इसमें, ये देखो ये इस तरह से। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह से कहीं पे भी ये फॉल्ट आएगा तो इस तरह से फॉल्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हमारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के इस वीडियो में हम इतना ही दिखाते हैं, और इसके हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ।